आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उनको तरह तरह की धमकियां मिल रही है और इस तरह इन धमकियों के लिए उन्होंने ध्रुव राठी को जिम्मेदार ठहराया है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और आइए जान लेते हैं ये पूरा मामला क्या है। स्वाति का आरोप है कि इन धमकियों की वजह ध्रुव राठी का एक तरफा वीडियो है जिसमें उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा है और मालीवाल की कोई बात नहीं बताई है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहले से ही लगातार उनके चरित्र पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं और उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, लेकिन जब से ध्रुव राठी ने वीडियो डाला है तब से उनको धमकियां मिलना अधिक हो गया है। स्वाति ने कहा है कि यूट्यूबर राठी ने अपने वीडियो में कई बातें नहीं बताई है। उनका कहना है कि पार्टी ने पहले उनके साथ हुई मारपीट को सही माना था, लेकिन पार्टी ने बाद में इस पर अपना रुख बदल दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको याद दिला दे कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में उनके ड्राइंग रूम में केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति के साथ मारपीट की थी और अब वो इस मामले में पुलिस की हिरासत में है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि उनको मार पीटे जाने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया जिसमें उनको सुरक्षा कर्मी मुख्यमंत्री आवास से बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि इसके पहले हुई मारपीट की घटना का वीडियो डिलीट कर दिया गया है। मालीवाल का यह भी कहना है कि पार्टी की तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी पुलिस रिपोर्ट वापस ले ले। मालीवाल ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने ध्रुव राठी को ये सब बताने की कोशिश की थी और उनको लगातार कॉल और मैसेज भी किए थे, लेकिन ध्रुव राठी जो कि अपने आप को एक स्वतंत्र पत्रकार बताते हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल के फोन और मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। आपको इस मामले में कौन सही लगता है, स्वाति मालीवाल या फिर ध्रुव राठी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।